हेलो गाइज, तो स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो गाइज, आज हम बनाने वाले इस थैली से एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार पतंग, जो कि एक 100% उड़ने वाली काइट होगी। इसको जो है हम आपको लास्ट में उड़ाकर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से जो है वर्क करती है। गाइज, इसको जो है हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक थैली जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल होगी, सही, जिसमें सब्जी वब्जी लाते हैं वो वाली थैली हमें जो है चाहिए। तो इसको जो है आप छोटी बड़ी कोई सी भी ले सकते हो। तो इसके लिए जो है हमें चाहिए एक टेप, कैंची और जो है डंडिया चाहिए, जो कि आप किसी भी फटी वाली पतंग में से या फिर आपके झाड़ू की डंडियों में से ले सकते हो। तो गाइस, चलिए जो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो गाइस, इसको बनाने के लिए जो हमें इसको जो सबसे पहले इस तरीके से मोड़ना होता है और इसको जो है बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना होता है ना। तो इसको जो इस तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं, ये आराम से, बिल्कुल आराम से फोल्ड करना है इसको। तो गाइस, इसको जो है हमें इस जोड़ पर से काट लेना है। ये जो चौड़ा हमें दिखाई दे रहा है ना लास्ट का, तो इस पे से हमें काट लेना है इसको। ये इस तरीके से जो है इधर से कट गया है, अब जो है हमें इस तरफ से जो है इसे काटना है। तो इस तरीके से जो इसे रखना है और जो ये कोना दिख रहा है इससे हल्का सा इसको नीचे से काटना है, ताकि जो है ज्यादा पन्नी छोटी ना हो। तो अगर जो इसको हम ज्यादा नीचे से काटेंगे तो हमारी जो पतंग थोड़ी छोटी बनेगी ना, तो इसको जो हमें हल्का सा ऊपर से काटना है, बिल्कुल कम जगह में, इस तरीके से। तो गाइस, जिससे जो हमें बचा कर रखना है, क्योंकि ये जो है हमें आगे काम आएगी, तो इसे मैं रख लेता हूँ साइड में। तो अब इसकी जो है हमें ऊपर वाली परत को खोलना है, ये इस तरीके से है ना। तो अब इसको जो ऊपर वाली परत को हमें इसमें से बीच में डालकर कैंची को और इसे भी जो है काट लेना है। तो हमें हल्का सा खोलना है इसका और इस कोने पर से जो है इसे कैंची को डालना है और इसे भी काट लेना है इस तरीके से। धीरे धीरे आराम से काटना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब जो है मैं इसे पूरा खोलता हूँ। तो ये देखिए गाइस, जो ये पन्नी जो है कितनी बड़ी हो चुकी है। हम इसमें से जो है दो पतंग बना सकते हैं, बाकी आज मैं आपको सिर्फ एक ही पतंग बना के दिखाऊंगा। तो उसी तरीके से आप जो है इसमें से पन्नी बचती है तो उसी तरीके से आप उसको बना सकते हो। तो अब गाइस, इसमें जो है हमें क्या करना है कि इस कोने को जो है इस कोने से मिलाना है इस ट्राइंगल शेप में, है ना। तो ये जो है आप देख सकते हो इस तरीके से कोने को अच्छे से यहाँ से फोल्ड कर लेना है। ट्राइंगल शेप में बन चुकी है, तो अब इसको जो है इस तरीके से यहाँ से काट लेना है अच्छे से। तो ये देखिए मैं जो है किस तरीके से काटता हूँ, बिल्कुल आराम आराम से काटना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब इधर से जो है इसको इस तरीके से मोड़ लेना है और फिर काट लेना है। ये कट चुकी है हमारी पन्नी, तो इसको जो है हम कर देते हैं साइड में। तो गाइस, अब इसको जो है इसी तरीके से रखना है और इसमें जो है हमें हल्की सी इसमें गोलाई देनी है, जिससे कि हमारे पतंग का शेप जो है थोड़ा सही आ सके। इस कोने से हल्का सा नीचे और यहाँ तक हमें जो है इसमें गोलाई देनी है, जिससे कि हमारे पतंग का शेप जो है बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से आ सके, एकदम अच्छे रियल पतंग की तरह। तो गाइस, इस तरीके से जो है आपको भी काट लेना है, मैं काट के आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से। थोड़ा सा लंबा काटना है आपको, जिससे कि वो अच्छी तरीके से गोल आ जाए, गोलाई आ जाए उसमें। थोड़ा थोड़ा अगर रह जाए तो उसको हटा देना है। तो ये देखिए, तो ये देखिए गाइस, अब जो है हमारी पन्नी का जो है शेप कितना बढ़िया तरीके से आ चुका है। तो अब इसमें बारी है हमें डंडिया लगाने की। तो गाइस, ये जो है मैंने डंडिया ली है, आप जो है कोई से भी डंडिया ले सकते हो। अगर आपके पास कोई फटी हुई पतंग पड़ी है तो उसमें से भी आप जो इसे ले सकते हो। बाकी ध्यान रहे कि हमें जो है पतली डंडियाँ लेनी है, एकदम गाढ़ी डंडियाँ नहीं लेनी है, जिससे कि हमारी पतंग जो है थोड़ी सी लचीली बन सके। अगर लचीली नहीं बनेगी तो गाइस ये उड़ेगी नहीं, तो इसका जो है आपको ध्यान रखना है। आप इसको अगर पतली करना चाहते हो तो इसको बीच में से जो छील कर पतली भी कर सकते हो, बाकी आपको जो है पतली डंडियाँ ही लेनी है। तो मैं इसको जो थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ, यहाँ से मोटा है ना गाइस, तो इसको जो है मैं भी पतली कर लूँगा। तो अब इसकी जो बीच की डंडी को लगाते हैं, और ये तो एकदम पतली डंडी है, तो इसका जो कोई वो नहीं है अपने को। तो इस तरीके से जो इसे नाप लेता हूँ मैं, और हमें बिल्कुल एकदम कोने से कोने मिलाकर इसको तोड़ लेना है एकदम बराबर करके। तो ये जो है मैंने तोड़ ली है, और अब लगाता हूँ मैं इस पर टेप। तो इस डंडी को आपको जो है एकदम बराबरी पे रखकर के मुंह पर लगा देनी है इस तरीके से एक टेप। तो ये जो है मैंने लगा दी है, अब इसको जो पीछे मोड़ देना है, जिससे कि डंडी जो है आगे और पीछे नहीं खसक सके ज़्यादा।
देनी है और इसी तरीके से हमें पीछे भी लगा देनी है। इसको लगाना है हमें नीचे की साइड से, ये नीचे ये लगाई और इसे कर दिया ऐसे ऊपर की साइड। ठीक है गाइस, तो ये देखिए हमारी पतंग। एक टेप हमें लगानी है बीच में, इसको भी जो अच्छे से कवर कर देना है, खींचना है इसे नीचे रखकर लगा देंगे टेप। तो दो तीन टेप लगानी है हमें इसे, जो पर नहीं आने देना है डंडी को, वो एकदम चपकी रहे पन्नी से, थैली से एकदम चपकी रहे, तो उसमें लगा देनी है दो तीन टेप जो ऊपर नीचे लगा देनी है। तो एक लगा दिए मैंने यहाँ पर, एक लगा दिए बीच में, अब एक लगा देता हूँ नीचे, इससे कि वो ज़्यादा हिले डुले नहीं डंडी, अगर वो खिलेगी तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है उड़ने में। तो ये देखिए अब हमें लगानी है इसके बीच वाली कमान, बीच वाली डंडी, तो मैं ले लेता हूँ डंडी और लगाते हुए। तो ये देखिए गाइस, ये आ चुकी है हमारे पास डंडी, और इसे जो है मैंने बीच में से छील कर कर लिया है इसको पतला, तो इसको जो है हमें पतली रखनी है डंडी को, टाइट ज़्यादा टाइट नहीं रखनी है, तो इसका जो है काफ़ी अच्छे से आपको ध्यान रखना है ना। तो इसका जो हम नाप ले लेते हैं, इसको एकदम कोने से कोने पर मिलाना है और हल्का सा इसको नीचे रखना है, ठीक है, बीच में से जो है नीचे रहे, ज़्यादा ऊँची नहीं करना है, इस तरीके से हमें जो इसका बिल्कुल बीच में से लेना है। तो मैंने रखा है इस कोने से इस कोने पर, तो ठीक है गाइस, इसी तरीके से हमें जो रखना है, ज़्यादा बड़ी और छोटी नहीं करनी है, इसका जो अच्छे से ध्यान रहे। तो ये मैंने तोड़ लिया है, अब इसके जो टेप लगाते हैं आइडो साइडों में, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो टेप लगानी है, मैं बता देता हूँ आपको, नहीं तो फिर डंडी जो है उसमें से बाहर निकल सकती है। तो एक टेप ये लेनी है, फिर इस तरीके से इस कोने पर लगानी है, फिर दूसरी टेप लेनी है और इस तरीके से जो है नीचे वाले कोने पर लगानी है ऐसे, ठीक है। तो अब इसी तरीके से जो हमें इसे भी लगानी है, इधर की साइड भी, दूसरे कोने पर भी, ये देखिए गाइस, अब लगाते हैं इसमें डंडी। तो आपको इस तरीके से इस कोने पर रखना है और इस टेप को उठाकर इस तरीके से चिपका देना है इधर की साइड, और नीचे वाली टेप को भी फिर ऊपर की साइड चिपका देना है इस तरीके से। अब आपको लेनी है इसको घुमाकर, जिस तरीके से हमने इसे घुमाया और इसे रखा उसी कोने पर, वो वापस से इसे जो है टेप को उठाया और इस तरीके से लगा दिया, और नीचे वाली टेप को भी उठाया और इस तरीके से लगा दिया। ठीक है भाई, तो ये बन चुकी है हमारी पतंग। तो इसका जो है अगर आपको लगे कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो उसे आप सीधा कर सकते हो इस तरीके से घुमाकर। तो ये देखिए गाइस, सब जो है हमारी पतंग कितनी जो है बेहतरीन लग रही है ना। तो अब इसका बनाते हैं हमें, अब इसकी हम बनाते हैं पूंछ। तो गाइस, इसकी पूंछ बनाने के लिए जो मैंने आपको बताया था, उसका जो हमें हमने हत्थे काटे थे इसके थैली के, जिससे हम उसको पकड़ते थैली को, तो उसका जो हमें ये लेना है, ले लेना है और इसे हल्का सा इस तरीके से यहाँ से जो जोड़ता है इसको काट देना है और उसको फेंक देना है। तो गाइस, इसका जो ये जोड़ता है तो इसको ऊपर की साइड रखना है और इसे हमें नीचे से जो है इस तरीके से घुमाते हुए ऊपर ले आना है, ये इस तरीके से, और इस तरीके से जो है हमें यहाँ तक रखना है, बिल्कुल जोड़ को जो है इसमें नहीं लेना है हमें घुमाकर, ठीक है। तो इसको जो है हमें हल्का हल्का सा काट लेना है नीचे से, ये इस तरीके से, तो इसे पूरा काट लेना है एकदम एंड तक, तो भाई ये जो बचा हुआ है इसको साइड में से हल्का सा तोड़कर फाड़ कर इधर फेंक देना है और इनको सभी को इस तरीके से खोल लेना है नीचे की साइड पर, जिससे कि ये लंबी लंबी दिख सके एकदम पूंछ जैसे, है ना। तो ये देखिए गाइस जो जो है कितनी शानदार तरीके से लग रही है। तो हमें अब इसे हमें जो है बीच में से फोल्ड करना है इस तरीके से, और अब लगा देना है इस पर, ये इस तरीके से जो हमें इस पर लगा देना है, अब इस पर चिपका देनी है हमें टेप। तो भाई इस तरीके से जो है हमें टेप ले ली लेनी है और इसे चिपका कर इसे इस तरीके से जो है चिपका देना है। तो ये देखिए गाइस, अब जो है हमारी पतंग कितनी बेहतरीन तरीके से लग रही है। तो ये बन चुकी है हमारी पतंग। तो गाइस, अब इस पर जो है हम धागा बांधते हैं और उड़ाते हैं।
भाई ये बांधे है मैंने इस पे तंग, तो चलिए इसको बांधते और उड़ा कर देखते हैं कि जो किस तरीके से उड़ती है। तो इसके लिए मैंने लिए गिट्टी, क्योंकि ये मंजे का वजन नहीं झेल पाएगी यार, बहुत ज़्यादा छोटी पतंगी है, तो वैसे उड़ने में तो ये उससे भी मंजे से भी उड़ी जाएगी आराम से। तो चलिए इसको मैं गिट्टी से ही उड़ा कर देखता हूँ एक बार। तो देखिए गाइस कितनी बेहतरीन तरीके से जो पतंग उड़ रही है अपनी। तो गाइस पतंग के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।